बुलेटिन के खास प्रोग्राम वार्ड की कमान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छवि फागना। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे वैसे वैसे आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो चलिए आइए जानते हैं किस वार्ड की होगी किसके पास कमान और कौन कौन से प्रत्याशी का है अपनी क्षेत्र की जनता के विकास के लिए क्या क्या घोषणा पत्र। नागौर जिले की जो लाडनू नगर पालिका है वहां से चुनाव हो रहे हैं, तो आज हमारे साथ पूर्व वाइस चेयरमैन अब्दुल जी याकूब जी शेख हमारे साथ हैं। तो आज इनसे बात करेंगे। जब ये वाइस चेयरमैन रहे तो नगर पालिका के अंदर कौन सी बड़ी समस्या थी जिसका इन्होंने समाधान कराया, और भारतीय जनता पार्टी से इनकी जो विचारधारा हमेशा जुड़ी रही, लेकिन अब की और भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 16 से। तो इनसे बात करेंगे भी ये निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ रहे हैं और पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दिया, क्योंकि पहले भी ये वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो वाइस चेयरमैन रहते हुए उन्होंने अपने नगर पालिका के लिए क्या काम किए, सबसे मिलकर स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। तो आप यूनिस खान जी मंत्री साहब का एक खास कार्यकर्ता माने जाते हो, और अपने जो लाडनू विधानसभा के अंदर भी आपकी सक्रिय भूमिका रही है, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो। तो अब की बार जैसे आपने वाइस चेयरमैन भी रहे आप, तो अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने आपके टिकट काटने का कारण क्या रहा? कारण तो वो ही झने पार्टी वाले क्यों काटी गई। वैसे क्या गए ठाकर साहब मनोहर सिंह जी को भी नहीं पूछा, जो पूरे एमएलए थे उनको भी नहीं पूछा कैसे काटी, ये भी गणना करनी पड़ेगी मत गए। और तो राजस्थान की बात करेंगे, जब राजस्थान के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है सक्रिय कार्यकर्ता, हमने देखा पिछला भी चुनाव देखा नगर पालिका के अंदर, जो इससे पहले जो सत्र के अंदर नगर पालिका चुनाव हुआ, कहीं ना कहीं जो विरोध देखने को मिला, जो ये दो गुटबाजी, जो तो क्या लगता है अब की बार जो ये चुनाव हो रहा है तो इसके अंदर जो बोर्ड बनेगा, क्या पिछली बार भी निर्दलीय खूब जीत गए थे, तो अब की बार भी निर्दलीय का बोर्ड बनने का, यहाँ से लाडनू के अंदर निर्दलीय बोर्ड बनने जा रहे हैं या आप पार्टी के साथ रहोगे? हम तो पार्टी के 35 साल से साथ में हैं और साथ ही रहेंगे, वहीं ठाकर साहब के पास ही जाएंगे, और जीतने के बाद में जो पार्षद गण यहाँ जीतेंगे वो निर्दलीय 20 आएंगे और कांग्रेस के आएंगे, कुछ बीजेपी के आएंगे बस। तो याकूब, जब आप फर्स्ट बार जब पार्षद बने और चेयरमैन बने, वाइस चेयरमैन रहे, तो नगर पालिका में कौन सी बड़ी समस्या थी जिसका आपने समाधान कराया? नगर पालिका में लाडनों में रोडों की समस्या ज़्यादा थी, नालियों की थी। बस स्टैंड का सौंदर्यीकरण किया, नालियाँ बनाई गई, रोडें बनाई गई, इंटरलॉक हमने ही शुरू किया था लाडनों में। और उस टाइम में ठाकर मनोहर सिंह जी ने लाडनों में 3 टंकियाँ बनाई, यूनुस खान जी ने बाईपास रोड, और ठाकर साहब ने मिल के इतना काम किया कि एक लाडनू जयपुर जैसा लगने लगा। अब की बार कुछ नहीं है, सब्जी मंडी का भी वो टेन शेड बनवाए और बनाए, सब दो ब्रिज दो क्या लाडनू तहसील में 7 ब्रिज बने, जो ये हिसार जोधपुर रोड जाती है वो लाडनू से गुजरती है उसका। तो जो पिछली बार जब बोर्ड बना तो बहुत कम सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी की, फिर भी भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना, तो उसके अंदर जो पीछे बोर्ड बना उसमें आपकी क्या भूमिका रही? हमारी ये भूमिका रही, जो निर्दलीय जीते थे उनको सबको एक जगह इकट्ठे करके ठाकर मनोहर सिंह जी के पास ले गए, उन्होंने जो चिट्ठी खेला किया वो उसका नाम निकला, उसको कह दिया, फिर यूनुस खान आ गए, यूनुस खान ने 2 कम पड़े तो वो लेके आ गए और बोर्ड बनवा दिए। तो अब की बार क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी यहाँ से बोर्ड बना पाएगी या कांग्रेस या फिर निर्दलीय का दबदबा रहेगा? यहाँ देखो निर्दलीय का ज्यादा दबदबा है, और कोशिश करेंगे भारतीय जनता पार्टी के निर्दलीय के मिलके बोर्ड बनाने। तो जैसे अगर आप भी एक चेयरमैन की दौड़ के अंदर माने जा रहे हो, तो अगर आपको मौका मिलता है तो पूरे नगर पालिका के अंदर ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है जिसको लेकर आप चुनाव लड़ रहे हो? देखो नगर पालिका में पराई समस्या यहाँ पे हल हुई है लाडनों में, कोई ज्यादा समस्या तो वो वाली बात है नहीं, रोडे बन गए। अभी यहाँ के क्या के सीवरेज की समस्या बड़ी, वो सीवरेज पास हुई है लेकिन हमारी वित्तीय स्वीकृति और वो नहीं हुई है, उसको लेके हम जिद्दोजहद करेंगे और क्या। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बहुत सी योजना आती है, आप जब वाइस चेयरमैन रहे आपने देखा होगा बहुत सी आती जनता तक पहुंचनी चाहिए, तो वो जनता तक नहीं पहुंच पाती, तो अगर यहाँ की जनता आपको मौका देगी तो क्या वो योजनाएं सही रूप से धरातल पर काम करेगी? हाँ, हमने तो हमारे कार्यकाल में तो सही योजना धरातल पर काम किया और योजना को क्रियान्वयन किया और पेश आए वो लगाए।
तो भ्रष्टाचार के भी खूब आरोप लग रहे थे। आपने देखा होगा भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तो आपको मौका मिलता है तो क्या भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने की कोशिश रही? मैं तो आप मेरे बारे में आप कहीं भी लाडनू शहर में पूछ लो, एक रुपया का भ्रष्टाचार किसी के साथ नहीं किया, न नगर पालिका किया, न लिया कमीशन लिया, न कुछ नहीं किया। हमारे अल्लाह मेहरबान है, हमारे सब कुछ सही है और ठीक है। तो याकूब, जैसे आपके जो वार्ड के जो मतदाता है, आपके जो वोटर है, उनको हमारे मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हो आप? हमारे मतदाता को संदेश ये देना चाहते हैं कि जो काम किया उसके बदले में वोट दो, और इंसान देखो क्या क्या काम किया। मैंने बहुत चिन्हित करवाए, पेंसिलें करवाई, वो और भी हमारे साथ है, हर कास्ट के साथ, तो कौम 36 कौम के वोट हमारे साथ में है काम विशेष किया। तौर से। तो ये थे हमारे साथ याकूब शेख जी, जो यहाँ से पिछली बार भी वाइस चेयरमैन, उससे पीछे वाइस चेयरमैन रहे, और अब की बार जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन उनका मानना यही है अभी हम पार्टी के साथ रहेंगे, और जहां तक हमारी कोशिश रहेगी भारतीय जनता पार्टी का वोट बनाने की हमारी पूरी पूरी कोशिश रहेगी। निर्दलीय का अगर वोट बनता है तो ये उसमें उनका पूरा सहयोग रहेगा। हमारे कैमरामैन सोगी के साथ मैं सुभाष सोगी। फिलहाल वार्ड की कमान में इतना ही। चुनावी दौर की हर अपडेट देखने के लिए देखते रहिए सिर्फ मरुधर बुलेटिन।